चुनाव नजदीक आते ही दल बदलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सभी दल के नेता और कार्यकर्ता दल बदलने में लग गए हैं। आज पटना के दीघा विधानसभा के संभावित राजद प्रत्याशी पप्पू राय के नेतृत्व में कई राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ताओं ने राजद का दामन थामा है। विधान पार्षद आजाद गांधी ने नए कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता दिलाई। पूरे बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है और ये ऐसा लहर है कि जब तक सरकार नहीं बढ़ेगी लहर चलते रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ तक देख रहे हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को लग गया कि एक नेता हमको मिला है, एक सामाजिक कार्यकर्ता हमको मिला है। लोगों में भावना जागृत हो रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में रह करके लोगों ने अपने आप को अपमानित महसूस किया। वहाँ अपमानित महसूस हो रहा था, लोग स्थिति खराब थी। लोग जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता हिसाब ले रही है विभिन्न तरह से। आप देख रहे हैं दौड़ा दौड़ा के लोग इलाज कर रहा है यहाँ बिहार की जनता। अभी विकल्प नहीं है, तेजस्वी यादव ही इस राज्य का विकल्प है। हमको तो लगता है कि जो आने वाला समय है, डेली यहाँ डेली का कार्यक्रम है। अब तो हम लोगों का कार्यक्रम चार विंग में हम इसको बांटने जा रहे हैं दीघा विधानसभा क्षेत्र को। अब जनता वहाँ बुला रही है कि आइए मेरे घर के आसपास, वहाँ हम मिलना चाहते हैं अपने घर के पड़ोसियों के साथ, ताकि पड़ोसी भी आप उस दिन ज्वाइन कर ले। इसलिए हम जो भी आज ज्वाइन किए हैं, कदावर नेता लोग, भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता, बूथ एजेंट, जो विभिन्न प्रकोष्ठों के, जो वार्ड के अध्यक्ष, दीघा विधानसभा के अध्यक्ष, भवन के तमाम शक्तियाँ, जो अपमानित हुआ 15 साल तक अपमानित होते रहा, लोगों ने मन बना लिया कि अब इस भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ रहने से दीघा का विकास होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि 15 वर्षों के दरमियान में दीघा काफ़ी पीछे चला गया, कोई देखने वाला नहीं है। रोड हो, चौक हो, चौराहा हो, सब फेल्यूर। फैक्ट्रियां जो लालू यादव ने पैदा किया था अपने शासन काल में, फैक्ट्रियां में इतना बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ है। अभी ताला खुलवाने का काम आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और पप्पू यादव ऐसे जुझारू नेता मिलकर करेंगे। पूरा जिंदाबाद, पूरा जिंदाबाद, दीघा विधानसभा की जनता जिंदाबाद, लालू रावरी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। चलिए, मुझे लगता है कि इनके द्वारा, इनके वर्क को देख करके लगता है कि गरीब जनता का काम होगा, मोहल्ले टोले का काम होगा। स्थानीय मिलनसार नेता हैं। मैं बीजेपी से, ये आज इनके पप्पू जी के नज़दीक आया हूँ RJD में, और मैं 92 से भुक्त भोगी हूँ। इधर 5 साल से जनता का काम नहीं हो रहा था, इसलिए आज मैंने राजद पप्पू जी के द्वारा ज्वाइन किया हूँ। लाइव इंडिया के लिए समर कुमार डे के साथ हीरा लाल की रिपोर्ट।